कर रहा है? अरे पेरेंट्स ये तो नहीं सोचते ना कि चलो अब बच्चा पैदा हो गया, अब इसको डोमिनेट करेंगे लाइफ लॉन्ग, बहुत मज़ा आ गया, अब अपने को मिल गया है, इसी को डोमिनेट करेंगे, ऐसे सोच के कोई बच्चे पैदा करता है क्या? इसको टॉर्चर करेंगे, इसको कोई चीज़ का परमिशन नहीं देंगे लाइफ में, ऐसे कोई नहीं सोचता भाई पेरेंट्स। वो बैलेंस बनाते हैं कहाँ पर परमिशन दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते हैं, कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ ले चल सकते हैं, कहाँ हम साथ में चलेंगे। लेकिन आपको उस समय वो प्रोहिबिशन इतना अनरीजनेबल लगता है कि आप कर गुजरते हैं, नहीं चाहिए परमिशन, आप तो मना ही करेंगे। अच्छा कमाल की बात ये कि जब ये बातचीत हो रही थी तो मेरी जो क्लाइंट थी वो भी लेडी थी, और उन्होंने मुझे बहुत अनरीजनेबल पाया। सर दिस इज रॉन्ग, यू मस्ट अलाउ हर टू वॉच छिछोरे, इट्स अ वेरी नाइस मूवी सर, आई ऑल्सो वॉच्ड इट। आई सेड यू मस्ट हैव, आई हैव नॉट प्रोहिबिटेड, आई हैव सिंपली सेड दैट 10 o'clock इज नॉट द राइट टाइम। No, so this is wrong. That is why wives do not listen to husbands nowadays. Gone are those days. Abhi to bachche parents ka nahi sunte, aap kya husband wife mein itna wo kar rahe hain? To mujhe unki baatein sunke laga, how fortunate I am. Achha, matlab aajkal ki wives nahi sunti? I'm fortunate at least wo sun to rahi, suna bhi bahut rahi hain. Suna to bahut zyada rahi hain. Thoda sa sun rahi hain, to I'm fortunate. तो शायद वो पेरेंट्स भी जिनके बच्चे ओबीडियंट होंगे वो भी फॉर्चुनेट मानते होंगे अपने आप को कि इस वातावरण में एटलीस्ट हमारे बच्चे हमारे कहना मान तो रहे, नहीं तो लोग तो कर गुजरते हैं। और बहुत से जो कर गुजरते हैं वो कहीं और पहुंच जाते हैं, गुजरते गुजरते गुजरते। सो नाउ कमिंग बैक to certain theories about Vedantic principles, let's see over here what is the meaning of Ved. If you have notebooks, please make a note, it'll help you. Ved word emerges out of the word called Vid. Ved emerges out of the word called Vid. और Vid का मतलब होता है knowledge. Vid means knowledge, ज्ञान. Vid का अर्थ है ज्ञान. जब हम कहते हैं किसी को विद्वान, मतलब ज्ञानवान. विद का अर्थ ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज. तो द कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ नॉलेज, द कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज इज वेद. इट्स अ संस्कृत वर्ड ऑफ नॉलेज, वेद. वेद मतलब ज्ञान. और वेद ज्ञान तो एक ही है, पर सदियों पहले महर्षि वेदव्यास ने इस ज्ञान को चार हिस्सों में डिवाइड किया और चार वेद क्लासिफाई करके हमारे सामने प्रेजेंट किए. और वो चार वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ये चार वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. बेसिकली वेद इज वेद नॉलेज, बट दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, लाइक योर लॉ इज लॉ बट क्लासिफाइड इनटू वेरियस सब्जेक्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड. इसी तरह से ज्ञान को जब चार हिस्सों में डिवाइड किया तो वो चार वेद बन गए. इसके अलावा चार उपवेद भी हैं. उपवेद
subsidiary, this is main and subsidiary ved are धनुर्वेद. उपवेद पहला है धनुर्वेद. धनुर्वेद means actually the knowledge of warfare. प्राचीन काल में वॉर्स धनुष से होते थे, इसलिए नाम धनुर्वेद है. बट धनुर्वेद consists ऑफ द नॉलेज ऑफ warfare. Isn't it? Next is Ayurved. Ayurved deals with medicines. Health care, medicines are the subject matter of second Upaved called Ayurved. The third is Gandharvaved. Gandharvaved deals with family life. गृहस्थाश्रम में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक आदमी की होती हैं. टू डील विद द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द रोमांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर एज, द रोमांटिक एपिसोड ऑफ अ लाइफ इज डेल्ट इन गंधर्व वेद. एंड द लास्ट इज स्थापत्य वेद. स्थापत्य वेद मीन्स the knowledge of architecture, how to construct buildings, the scientific manners of creating palaces, houses, huts of various kinds is found under Sthapatya Ved, the knowledge of architecture. So these are four Ved and four Upaved for you. Then, when I say Ved is knowledge, Vedant, the word itself shows Ant of Ved, the ultimate knowledge, Vedant. The ultimate knowledge means the knowledge which is not going to change with time. The knowledge which will remain always, what is the era, come what is the age, come what is the time, the knowledge which remains constant, regular, is called Vedant. जैसे सूर्य तो पूर्व से ही उगेगा, युग कोई भी हो, काल कोई भी हो, समय कोई भी हो, ये बदलने वाला नहीं है. जिसको ये नॉलेज हो गई कि सूर्य तो पूर्व से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा, वो सारी लाइफ वो नॉलेज काम आने, लोग कभी नहीं बदलेंगे. ऐसे नहीं होगा कि आप जब स्कूल में थे तो ये पढ़ा और आपका बच्चा जब स्कूल में, तब कहा अच्छा आजकल क्या नॉर्थ से निकल रहा है, चेक करना पड़ेगा. वो हमारे टाइम पे सूर्य पूर्व से निकलता था, ऐसा तो नहीं होता ना. दिस नॉलेज इज कॉन्स्टेंट. नाउ वेदांत आर ऑल्सो कॉल्ड उपनिषद. वेदांत आर ऑल्सो कॉल्ड उपनिषद. एंड इन आवर एंशियंट हिस्ट्री द रिसर्चर्स हैव फाउंड that there were around 200 Upanishads. But with the lapse of time, most of them are destroyed, unfortunately. And therefore, as on today, there are only 11 Upanishads available. Out of around 200, with the lapse of time, they are destroyed by various invaders which attacked India time and again. They burnt things, they broke temples, they destroyed so much of Indian heritage. So as on today, 11 Upanishads are found. These 11 Upanishads are Ishavasya Upanishad. First is Ishavasya Upanishad. Second is Kathopanishad. Third is
केनो उपनिषद. फोर्थ इज प्रश्नोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद. द नेक्स्ट इज ऐतरीय उपनिषद, देन कम्स तैतरीय उपनिषद, देन मुंडक उपनिषद, एंड देन मांडुक्य उपनिषद. ऐतरीय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद. देयर आफ्टर कम्स छांद्योग उपनिषद, छांद्योग उपनिषद, देन कम्स बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, एंड द लास्ट इज श्वेताश्वतर उपनिषद. द इलेवेंथ एंड द लास्ट इज श्वेताश्वतर उपनिषद. सो दीज आर द 11 उपनिषद्स which are available to us as on today out of 200 which are found in the scriptures, that around 200 were there. Now apart from these Upanishads, our scriptures also talk about Puran. You must have heard about Puran. Log kehte Ved Puran ki baatein. So there are Purans also available in our scriptures. And as on today, there are 18 Purans which are available. Now they are different from Ved and Upanishad. Puran are basically fictional documents. Ved is pure theoretical knowledge. Puran is basically examples to explain those theories given in the Ved. Like for example, in your studies of law, when you read a section, sometimes you do not understand it. But then below that section there is an illustration. And the moment you read the illustration, you understand the section. Sometimes the theories are understood better by examples.